ये लड़की जैसे ही एक बेज को छूती है तो वो एकदम से डर जाती है और हैरानी से अपनी चारों तरफ देख रही थी। वो दोबारा से बेज को छूकर देखती है और उसने बेज को उठा लिया था जिससे वो पास्ट में आ गई थी। वो चारों तरफ देखती है तो उसे दूर एक महल खड़ा दिखता है, लेकिन वो जैसे ही आगे चलने लगी तो उसका सर दीवार से भिड़ जाता है। फिर सामने बैठा कैदी बेज को उठाने लगता है तो लड़की उसको रोक देती है। वो नहीं चाहती थी कि दूसरों को इसका रहस्य पता चले। वो लड़की अपने पिता को इस जादुई बेज के बारे में बताती है, लेकिन जब पिता बेज को छूता है तो कुछ भी नहीं हो रहा था। लड़की हैरान थी। फिर वो खुद बेज को छूती है जहाँ उसका शरीर हवा में था और खुशी खुशी महल की ओर जा रही थी, तभी एक अदृश्य दीवार उसके सामने आ जाती है। तभी अचानक लड़की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है तो इस बार लड़की फ्यूचर में पहुंच जाती है जहां ट्रेन हवा में उड़ रही थी और लोगों के पास उड़ने वाले सूट थे। लड़की को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई स्वर्ग में आ गई हो।